सुप्रभात हिमाचल, मैं विदेश ठाकुर अभी मौजूद हुआ हूँ आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। नई आउटफील्ड बनेगी धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में, बारिश से नहीं धुलेंगे मैच, 20 मिनट में सूख जाएगा मैदान। बारिश के कारण धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में अब मैच नहीं धुलेंगे, बारिश रुकते ही मैदान 20 मिनट में सूख जाएगा। इसके लिए मैदान में सब एयर सिस्टम लगाया जाएगा। करीब 18 साल बाद इसके लिए मैदान की पुरानी आउटफील्ड को उखाड़ने का काम शुरू हो गया है। 3 से 4 महीने में काम पूरा कर लिया जाएगा। आउटफील्ड उखाड़ने के बाद इसे बंगलुरु के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम की आउटफील्ड की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। वहीं इसमें हाईटेक सब एयर सिस्टम भी लगाया जाएगा। शिक्षक की गैर मौजूदगी में 20 फीट लंबा पैन लेगा बच्चों की क्लास, नौरंगाबाद स्कूल ने किया इजाद। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी किसी से छिपी नहीं है। शिक्षकों की इसी कमी से निजात दिलाएगा 20 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा एक ऐसा पैन जो स्कूल में बच्चों की क्लास लेगा। सिरमौर जिले की नाहन विधानसभा के दुर्गम क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च विद्यालय नौरंगाबाद स्कूल के मुख्य अध्यापक एवं विज्ञान के शिक्षक डॉक्टर संजीव अत्री ने एक ऐसा ही पैन तैयार किया है। वहीं लोहे और लकड़ी से तैयार स्याही वाले 41 किलोग्राम वजन इन पैन में साउंड सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। कोई शिक्षक यदि अगले दिन अवकाश करने वाला है तो 1 दिन पहले ही उससे बच्चों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु तैयार करवाकर पैन में डिलीवर कर दी जाएगी। अगले दिन बच्चों को पैन के समीप बिठाकर छुट्टी पर गए शिक्षक की आवाज़ में पढ़ाकर सेंसर अपना काम शुरू कर देगा। पैन के ढक्कन वाले हिस्से पर CCTV कैमरे लगे हैं जिसका नियंत्रण स्कूल प्रबंधन के पास रहेगा। CM जयराम का बयान, हिमाचल में समय से पूर्व चुनाव का कोई विचार नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में समय से पूर्व चुनाव करवाने का कोई विचार नहीं है। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने सेवा का मौका दिया है और हम काम कर रहे हैं। जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लग जाती तब तक विकास कार्य को गति देने का काम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पिछले कल विधानसभा क्षेत्र भोरंज के गांव दिम्मी में RSS के उत्तर क्षेत्र प्रचारक बनवीर सिंह के घर धार्मिक अनुष्ठान में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी है, सरकार ने पहली बार इतिहास में 500 चिकित्सकों की भर्ती करने का बजट में प्रावधान किया है। वहीं जल्द ही डॉक्टरों की कमी को दूर किया जाएगा। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला, आरोपी का खुलासा, 2019 में अपनी जगह बैठाया था सोल्वर, इस बार बना दलाल। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में शाहपुर के 39 मिल से पकड़ा गया आरोपी वर्ष 2019 में भी पुलिस भर्ती फर्जीवाड़े में गिरफ्तार हुआ था। उस दौरान आरोपी अभिषेक ने लिखित परीक्षा देने के लिए अपने स्थान पर एक सोल्वर को बिठाया था। अब उसे वर्ष 2022 में हुए पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में फिर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी अभिषेक ने पुलिस के समक्ष कई खुलासे किए हैं। सूत्रों के अनुसार SIT की ओर से पकड़ा गया शाहपुर का अभिषेक वर्ष 2019 में हुए भर्ती फर्जीवाड़े में भी आरोपी था। NHM कर्मचारियों की वेतन नीति पर फैसला कल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हिमाचल में काम कर रहे कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल देने के लिए पॉलिसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार की ओर से गठित 5 सदस्यीय कमेटी अब इस पर 18 मई की बैठक में अंतिम फैसला कर सकती है। वहीं 18 मई को होने वाली बैठक में यह तय किया जाएगा कि NHM कर्मचारियों को 8 साल बाद नियमित पे स्केल मिलेगा या फिर 5 साल बाद दिया जाएगा। इससे NHM पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा और सरकार को कितनी सहायता की जरूरत होगी। माना जा रहा है कि 18 मई को होने वाली बैठक में 5 सदस्य कमेटी की अंतिम बैठक है। इस बैठक के बाद पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा। मुख्य सचिवों का अधिवेशन, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने CM जयराम से की भेंट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पिछले कल शिमला में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने भेंट की। इस अवसर पर धर्मशाला में जून माह में प्रस्तावित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के अधिवेशन के बारे में चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दो दिवसीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष तौर पर हिमाचल आने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी नीति आयोग के अधिकारियों से विचार विमर्श किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से टला मेधावियों को लैपटॉप का आवंटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 31 मई को प्रस्तावित शिमला के दौरे के कारण 20,000 मेधावियों के लैपटॉप का आवंटन टल गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने केंद्र सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर शिमला में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम को देखते हुए जून के पहले सप्ताह तक लैपटॉप आवंटन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले मेधावियों को पहली बार आधुनिक तकनीक वाले 41,550 रुपए की कीमत वाले लैपटॉप दिए जाएंगे। एचआरटीसी कर्मियों का प्रदर्शन 7 जून को प्रभावित हो सकती है परिवहन सेवाएं। हिमाचल प्रदेश में 7 जून को परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती है। लंबित मांगे पूरी न किए जाने पर एचआरटीसी कर्मचारी इस दिन हड़ताल पर रहेंगे। 1 जून से संयुक्त समन्वय समिति ने बस डिपो परिसर के बाहर गेट मीटिंग करने का फैसला लिया है। वहीं इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी। एचआरटीसी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के सचिव खमेंद्र गुप्ता ने कहा कि एचआरटीसी कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया है। 36 महीने से पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को ओवरटाइम का पैसा भी नहीं मिला है। आउटसोर्स कर्मचारियों को ठग रही सरकार। महात्मा गांधी मेडिकल सर्विस ठेका मजदूर यूनियन का 6वां इकाई सम्मेलन खनेरी रामपुर में संपन्न हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए C2 शिमला जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह व अमित ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई सरकारों के द्वारा आउटसोर्स मजदूरों को चुनाव से पूर्व नीति बनाने का झांसा दिया जाता रहा है, परंतु अभी तक कोई स्थायी नीति नहीं बनाई जा रही है। प्रदेश की जयराम सरकार भी पिछले 1 साल से स्थायी नीति बनाने की बात कर रही है, जबकि कमेटी का गठन भी किया गया पर अभी तक नीति नहीं बनी है। जब से भाजपा सरकार बनी है तब से लगातार मजदूर विरोधी फैसले ले रही है। हिमाचल सरकार ने काम के घंटे 8 से 12 करने की अधिसूचना जारी की है, जिससे मजदूरों को गुलाम बनाने का मसौदा तैयार किया जा रहा है। पीएम के दौरे से पहले कैबिनेट 26 को होगी बैठक, 24 मई से शिमला में ही रहेंगे मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला दौरे से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कैबिनेट की बैठक करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री के दौरे से संबंधित कुछ और निर्णय भी लिए जा सकते हैं। यह बैठक 26 मई को प्रस्तावित की जा रही है। हालांकि अभी सामान्य प्रशासन विभाग से शेड्यूल जारी होना है। प्रधानमंत्री के शिमला दौरे को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 24 और 25 मई का शेड्यूल भी रिजर्व रखा है और लगातार 3 दिन वो शिमला में ही रहेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री के दौरे से संबंधित बैठकों के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वहीं प्रधानमंत्री ने 31 मई को केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर शिमला में ये आयोजन करने के लिए सहमति दी है। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।